फाइनली 11:10 पे कहाँ 8 बजे पहुँचना था, कहाँ 11:10 पे पहुँच रहा है। चलो बट कोई बात नहीं, बट ये लंबा टास्क हो जाएगा कि आज पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट होगा, 10 से 11 बज जाएगी। बाकी लोग भी हमारे आए हुए हैं, नए दोस्त हमारे बन गए रास्ते में। क्या नाम बताया अपना? समर्थ। समर्थ इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा दिया, सब्सक्राइबर बढ़ा दिया। तो अभी जल्दी से हम चलते गाड़ी के पास और निकलते ऋषिकेश से सवारी उठाने। ओहो कैसे भाई, दिखा ही नहीं यार। कैसे भाई, कैसे? वेलकम वेलकम भाई, वेलकम। मैं आंखें तरस गई यार, क्या बात कर रहे हो भाई। वेलकम टीम, नाइस। फाइनली बैठो, तुम बैठो। हाँ हाँ, अभी हमारा टर्न, आप लोग जाके सो जाइए। भले नहीं नहीं अभी कौन सो रहा है, नहीं सो रहे हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी है हम लोहागंज, लोहा जंग में। ऐसे गंज और जंग में हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा लोहा जंग जो मेन मार्केट है उससे थोड़ा सा आगे आके नीचे की तरफ है। जैसे ही गेट खोला बस सामने पीक दिखी। ब्रश हटा लेता हूँ मैं, ये आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू। अभी 7:15 हो रहे हैं तो पहले ब्रश करते हैं क्योंकि डोरी जूझू जूझू वाली। आज एक नए सफर पर फिर से शुरुआत और आज हम जा रहे हैं अली बेदनी बुग्याल। जनवरी में ये प्लान इसलिए किया था कि स्नो देखने को मिले, बट स्नो अभी तक तो है नहीं। बट हाँ ये है कि स्नो का प्रिडिक्शन है लगभग 10 तारीख का और 13 तारीख का, उसके आसपास स्नोफॉल हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। अब ओनली बारिश ना हो, बारिश के साथ स्नोफॉल होगी तो हम सहन कर लेंगे, ओनली बारिश सहन नहीं कर पाएंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:25। बाकी सब हम रेडी हैं, सुबह जल्दी उठ गया था हम और नहाने का तो सीन होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ हमने हमारा गर्म पानी कर लिया था कम्प्लीटली, यहाँ गर्म पानी किया था हमने ताकि जिसको नहाना है वो नहाए। हमने तो गर्म पानी यूज़ किया था ब्रश करने में और मुंह धोने में। हो गया सर ब्रेकफास्ट? हाँ। कैसे नींद अच्छी आई? नहीं आई। आलू का सब्जी है और अपने पास अच्छा पराठे हैं। ठीक है, ले ब्रेकफास्ट डन, अब हमारी ट्रैकिंग पोल ले लेते हैं। ओके ये रेडी हो गई मेरे लिए, चलो मैं लूँगा ये येलो वाली ट्रैकिंग पोल सेट हमारा, ये ले लेते हम। ये यहाँ पर रेंट पे भी मिल जाएगा आपने को, अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने जो भी ट्रैक लीड कर रहे हैं या जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर है उनको आप पहले से बोल सकते हैं कि मुझे स्टिक चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा शूज़। स्टिक तो चलो कोई नहीं, यहाँ आके भी ले सकते हो, शूज़ के लिए पहले से आप साइज़ दे दो ताकि वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर भेज देवे। दोनों रेंट पर अवेलेबल हो जाता है जो बिगिनर कर रहे हैं ना उनके लिए, क्योंकि एकदम से इतना पैसा खर्च करना बाद में करेंगे नहीं करेंगे, तो एक बार आओ चेक कर लो, ट्रैक कर लो, पता चल जाए हाँ हम आगे कर सकते हैं, तब जाके डीकैथलन में जाके फिर पैसे उड़ाओ। जूते कैसे मिलते हैं ट्रैकिंग पे बताता हूँ। अच्छा यहाँ नहीं है ना के जी भाई, देखा रहे ट्रैकिंग में हम रेंट वाले शूज़ कौन से देते हैं? रेंट वाले हम केचुए हाई एंकल्स के ही देते हैं, माइल्डली वाटरप्रूफ, नॉट प्योरली। जो आप कैचो में खरीदने जाएंगे तो आपको 3,000-4,000-5,000 के शूज मिलेंगे, यही मिलेंगे, तो यही मिलेंगे वाले देते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि चाहे वो प्लास्टिक वाले तो नहीं दे देंगे, जबकि देते हैं सस्ते, ऐसे ऐसे काम चलाओ, काम नहीं करते, वी डू क्वालिटी वर्क ब्रो। अभी आवाज नंदा गुंडी तक जाएगी, वापिस आनी चाहिए। ये कौन सी लैंग्वेज है? आवाज पहले नंदा गुंडी तक जाके वापिस आनी चाहिए, ठीक है? वो नहीं बताते। रेडी? ओके होक अलाला, होक अलाला, मार दोगे उम्मा, मार दोगे उम्मा, मजा मजा मजा, मजा मजा मजा, ओ लबे लबी अलहा, ओ लबे लबी अलहा। टीम टीम टीम, एवरीवन हु इज वर्किंग विद अस। फाइनली हम निकल रहे हैं, 10:41 हो रहा है अभी टाइम, और अभी यहाँ से हम निकलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा आज का जो कैंप साइट रहेगा वो रहेगा डीडना विलेज का। वहाँ पर एक थोड़ा है कि शायद या तो टेंट कैंपिंग करेंगे या होम स्टे करेंगे। कैंप का सामान तो सारा वैसे भी आ गया हमारा, जा चुका है, बाकी सारे सामान हम ऑफलोड दे चुके हैं। जो हमें लगेज ऊपर भेजना था मैं हमेशा भेज देता हूँ, ऑफलोड कर देता हूँ मेरा बैग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैमरा बैग रहता है, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा वजन है। जैकेट वगैरह सब उतार ले, गर्मी हो रही है, स्नो देखने आए थे, स्नो तो आई नहीं। उलाला बिना ट्रैकिंग स्टिक के अच्छा पीछे डाल दी। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, और अभी मैं जैकेट नहीं पहनूंगा, अभी हम फोटो वीडियो बनाएंगे।
शूटिंग चल रही है, एक्टर डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर और वीडियोग्राफर साथ में। झरना मिला, वाटरफॉल, थोड़ा एनर्जी के लिए एंड वॉश कर लेते। ओए भाई साहब रुको रुको, एनर्जी मिल जाती है सर। हाँ भाई इतना नहीं है, मैनेजेबल है। अभी अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए हैं। जो स्टार्टिंग का जो ट्रेल है वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही पूरा ऐसे ही दिख रहा है जितना भी ट्रेल है। वही तो कह रहे हैं। हाँ तो उससे दूर रहना, थोड़ा वो इरिटेशन करता है। हाँ मैं ऐसे टेक्स्ट में बताता हूँ ना कि वो तगड़ा काटा था, खतरनाक। हमें अजय ने किया भाई, अजय भूमि ये लोग ने विश पूरी की उस प्लान से। अरे हमने भी किया था। आप अच्छा हमने वहाँ किया था जब ओम पर्वत गए थे, वहाँ था वो। अच्छा वहाँ था, हमने किया था। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो अलग से होती है। आपको बताना वो कहाँ है। अरे मैं टच कर चुका। चलते चलते जब अपने साथियों को ऐसे बैठा देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट यही दिल तोड़ के जाते हैं कि जैसे हम पास में जाएंगे ये लोग उठ के चले जाएंगे। पीछे वाले पे तो ब्रेक नहीं लिया, पर इस वाले पे लेंगे, क्योंकि ट्रेल बहुत शानदार है। ये मिला क्या इधर से? उधर से मिला। किसका है? अरे यार उसका है। कौन ले रहा है ये? हैं जिसका भी खाली हो गया है। नया था ना, मुझे लगा था कि किसी का होगा, इसलिए मैं ले आया। खाली हो गया। अभी खींचे भाई, देखो हम टीम का ध्यान रख रहे हैं, सामान पीछे गिरा हुआ है, हम लेके आए। गुड, इसे मिलते हैं इन इस ग्रुप को 7.5 पॉइंट। थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, हालांकि थकान ज़्यादा हुई नहीं, बट थोड़ा रेस्ट कर लेते, क्योंकि जब से निकले हैं तब से हम रुके नहीं हैं, मतलब कहीं पर बैठे नहीं हैं। ठीक है, विक्स विक्स ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ये कौन सी जगह है? महिलाधार मायला मालाधार। यहाँ पर ये क्या नंदा देवी का वो है क्या? हाँ डोली बैठती है यहाँ पर। अच्छा तो हम मालाधार में हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। ये जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ पर नंदा देवी की डोली यहाँ पर बैठती है। ये है खड़ी उतराई एकदम कीचड़ के अंदर से। Great success. बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह। यहाँ पानी रिफिल कर लेता हूँ मैं, स्नो नहीं है बट कसम से जो व्यू आ रहा है तगड़े, अल्टीमेट मजा आ रहा है। अभी पानी भरने गया, पैर ही फिसल गया, इसीलिए कहते हैं ट्रैक पे जब भी जाते हैं ना तो पैंट वाटर रेप्लिकेंट होनी चाहिए, मतलब वाटरप्रूफ, परफेक्ट नहीं होती, वाटरप्रूफ वाली पैंट और शूज़ भी वाटरप्रूफ होने चाहिए। अब देखो ये मेरे गीले हो गए बट पूरा पानी के अंदर गया मेरा जूता, पूरा पानी के अंदर गया जूता मेरा, अभी भी पानी है देखो, बट मुझे अंदर एहसास नहीं हो रहा। तो वाटरप्रूफ शूज़ और पैंट होने का ट्रैक में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हली बेदी बुग्याल का नाम काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है, उसकी वजह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट कसम से बहुत शानदार ट्रेल है, बहुत ही शानदार, मज़ा आ जाता है कसम से चल के। कहाँ कहाँ से आए देखो, यहाँ से आए हम, जहाँ रुके बस फोटो ही फोटो, इतने तो सारे हर 5-10 मिनट फोटो पॉइंट तो आ ही जाता है, फोटो बनाओ वीडियो बनाओ कुछ ना कुछ बनाते ही चले। बोलो सर क्या कर रहे हैं? भैया 2 कदम यहाँ सीधा, इधर खाई भयंकर वाली, और इधर सीधा खड़ी चढ़ाई। अभी ऊपर से देखा था मैं आपको, एक ऐसा दिख रहा है, हम ये चढ़ते चढ़ते आए। मैंने ना जब आधी गलत गया था तब लगा था, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही चला गया ये, थोड़ी देर में चला जाता। हाँ अपना आप ही हो जाता है ये। इसका साग बहुत यूजफुल होता है बॉडी में, इसको बॉईल करना पड़ता है बहुत, इसको बना सकता है ये पहाड़ी कहीं भी उग जाता है। अच्छा ये है जिसको कहते हैं सिसौन, इसके आयुर्वेदिक गुण भी बहुत है। अभी चलते चलते 233 हो रहा है एक्चुअल इंक्लाइन, तो अभी आया है, अभी तक तो उतर ही रहे थे। अरे अब इस वाले में सब क्या हालत खराब हो रही है। वैसे 4:30 तक का बता रहे हैं, डिनर तक पहुंच जाएंगे, 2:30 तो बज रहा है, 1.5 घंटा और। अरे बाबा ये चढ़ना है,
इसके बैक साइड बता रहे हैं। अरे वो बताए तो यार, उल्टा सीधा चढ़े फिर क्या बता। नहीं सर, ट्रेल तो सीधा ही है। ये स्लोप बहुत बहुत स्टीप है, सांस नहीं आ रही। बोलना तो बहुत दूर है, देखो आ जा रही है यहाँ। ओके, वो खंबा दिख रहा है वहाँ पर, एकदम से पूरा हमें ये पूरा ऊपर चढ़ना है और हैवी ऐसे पूरा खड़ी चढ़ाई। 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। जोश आया, जोश आया, बस ही थोड़ा सा बस है। ठंड के मारे बैटरी भी अपना अपना डिस्चार्ज बता दे रही है, घंटे की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। पहुँच गए। किधर जाना? सीधे चलो। सभी लोग हमसे पहले आ गए, शायद एक दो लोग बाकी होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सब आ गए हम। ऑल गुड सर, लंच रेडी। अरे दावा बोलते हैं खाने पे, थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, कुछ गर्म पानी पीते हैं। तो कुछ दिख नहीं रहे, टॉर्च के सहारे चल रहे, सामने और आ रहा है कोई। हम एक्चुअली यहाँ रुके हुए हैं इस वाले में, और सब लोग बाकी यहाँ रुके हुए हैं। कुछ लोग यहाँ हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ हैं, तो हमें यहाँ मिला, कोई बात नहीं। पर अभी चाय का टाइम हो गया, तुम जा रहे चाय पीने, बाकी सब लोग तो आ नहीं रहे। मैं जा रहा हूँ, मैं पीऊँगा चाय वहाँ थोड़ी देर, हाक सेकूँगा। अजय ये क्या हुआ, टूट गया? उसके बाद मैं इनके लिए भी चाय ले आऊँगा। अभी सुसु करने का टाइम आ गया, तो वॉशरूम बहुत दूर होता, टॉर्च टॉर्च से बंद होते, टिक 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 टिक। वहाँ रुके हुए इतना दूर आना पड़ता है।